चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मैं आज आपको बात करूंगा विप्स के बारे में। विप्स कोलकाता ये एक MBA कॉलेज है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम में। तो हम जानते हैं कि आप वहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी उसकी फ़ीस क्या है और क्या क्या डिटेल्स आप जानना चाहेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए बने रहिए दोस्तों। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं उसमें आपको विप्स कोलकाता टाइप करना है। जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको उनका जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे उनके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसे पेज ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। देखिए ये तीन जो पहले जो हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपको फिल करना होगा। और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ये जो है इसको आप भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसको आपको सबमिट करना ही होगा अगर आप इसे अपना डिटेल शेयर करना चाहते हैं। तब यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आता है, एक डाउनलोड ब्रॉशर का ऑप्शन आता है। अगर आप ब्रॉशर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए इनके यहाँ डेलॉयट, गोदरेज, गूगल, HDFC बैंक, इंडियन ऑयल, ITC, केलॉग्स, कोटैक बैंक, तो कितने काफ़ी सारे जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो जो कंपनीज़ आती है ये सारी कंपनीज़ यहाँ पर भी विज़िट करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफ़र करते हैं। देखिए ये पांच टाइप के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। जैसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिज़नेस मैनेजमेंट, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट, थर्ड अगर आप देख सकते हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग में भी दे रहे हैं ये डिग्री, चौथा अगर आप देखें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग के ऊपर ये कोर्स करवा रहे हैं, और पाँचवा है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल पांच कोर्सेज है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको डुअल डिग्री मिल जाती है। याद रखिए मैं डुअल डिग्री की बात कर रहा हूँ, डुअल स्पेशलाइजेशन की नहीं। डुअल डिग्री मतलब आपको MBA की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री, दोनों की डिग्री आपको साथ में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग सब बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। वो यहाँ पर देखिए आपको ये भी मेंशन मिल जाएगा कि आपको रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी क्योंकि आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि अभी देश में कोरोना वायरस पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो उसी के कारण ऐसा हो रहा है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको फ़ीस क्या देनी होगी या फिर प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इनके यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो जो 2019 की बात अगर की जाए तो यहाँ पर 4.5 लाख का जो एनुअल CTC यहाँ पर गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब से ये आउटब्रेक हुआ है ये कोरोना वायरस पेंडेमिक का, तब से देखिए कि बहुत जगह जॉब्स कट हो रही हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से ऑफ़र रिवोक कर ले रहे हैं कंपनीज़। तो यहाँ पर फिर भी देखिए 4.5 लाख का एनुअल सिटी से गया है, वो भी एवरेज, ठीक है। और अगर हम देखें कि कितने सारे कॉर्पोरेट्स विज़िट किए इनके यहाँ, तो ये 275 से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। बहुत ही कम जगहों पर इतने सारे कंपनीज़ विज़िट करते हैं। और देखिए 10% उनका जो टोटल कैंडिडेट्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में या कोर्सेज में, उसके 10% को इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पे अपना डिटेल्स भर के इसे शेयर कर सकते हैं, आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ विज़िट कर चुके हैं उसमें एक कपिल देव हैं, फिर आपको APJ अब्दुल कलाम साहब देखेंगे, फिर देखिए चंद्रशेखर घोष जो बंधन बैंक के CEO हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए जैसे आप उनके साइट को चेक करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप उनके टाइप के सेक्शन में देखिए यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। जैसे अगर हम प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो देखिए प्लेसमेंट का जो सारा रिकॉर्ड 17 से 19, 16 से 18, 15 से 17, देखिए हर समय जब से उनका वो कोर्स चल रहा है जितना प्लेसमेंट हुआ है तब आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं 2017 से 19, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं 2017 से 19 में, या 2000 जिस भी साल का देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा कौन से कैंडिडेट्स कहाँ पर प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, आपको साइट को एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे में दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये सारे जो ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे लाइव सेट बिप्स कैसा है, ये क्या क्या वहाँ पर फंक्शंस होती है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिला है अगर आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में जाएंगे तो इस सेक्शन में आपको जो जो उनको रिवॉर्ड्स मिले या फिर जो भी उनको फीचर किया गया है
उस बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर आप देखें, रैंक्ड 5th बेस्ट इन कोलकाता, और ये उन्हें जो टैग मिला है, ये जो अवार्ड मिला है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बी स्कूल का एक सर्वे हुआ था, और ये लगातार 2 सालों से उनको मिल रहा है, 2018 में भी और 19 में भी। अगर आप देखें तो रैंक्ड 2nd बेस्ट इन ईस्ट इंडिया, पूरे ईस्ट इंडिया में 2nd बेस्ट कॉलेज है, और यहाँ पे भी रैंकिंग अगर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया के बी स्कूल सर्वे जो होते हैं उसमें दूसरे साल के लिए कंसेक्यूटिवली लगातार 2 सालों से 2018 और 2019 में उन्हें ये अवार्ड मिला है। काफ़ी अच्छी बात है। इकोनॉमिक टाइम्स में भी उन्हें 2019 में बेस्ट एडुकेशन ब्रांड के हिसाब से अवार्ड दिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं और रिकॉग्नाइज्ड भी किए गए हैं। देखिए जो इनके कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनका क्या कहना है और कौन से बैच से, कौन से कॉलेज में, कौन से कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देकर मदद करूँगा। आप यहाँ पे इंडस्ट्री में जो उनके टाई अप्स हैं वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आप जितना कुछ चाहें यहाँ पे जाके आप पहले स्टडी कर सकते हैं, आप एक बार उनके काउंसलर से भी बात कीजिए तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए IIM अहमदाबाद के साथ इनका कुछ टाई अप है, फिर ओरेकल अकेडमी के साथ टाई अप है, MDIS सिंगापुर में भी इनका टाई अप है, KPMG के साथ टाई अप है, फिर इनके जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, देखिए टाई के साथ इनका टाई अप है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग्स पर जा सकते हैं, मेरे ब्लॉग का लिंक मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके और बेसिक डिटेल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। और अगर आप चाहते हैं इसका डायरेक्ट लिंक तो मैं अपने ब्लॉग में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आप इनके वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए धन्यवाद।